हेलो गाइस, यूट्यूब के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग वाला काम है, लेकिन आप लोग इसे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स करते जा रहे हो। आप लोग चाहते हो कि विदाउट लर्निंग आप अर्निंग कर लो, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपने कुछ लर्न करना है तो फिर ही कुछ अर्न करना है, अदरवाइज आप लोग फिर अपना टाइम ज़ाया करोगे, अपने पैसे ज़ाया करोगे और कुछ नहीं आपको मिलना। तो गाइस, इसलिए मैं आपके साथ कुछ सिंपल सी मिस्टेक शेयर करूंगा। अगर आप लोग ये करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अगर मोनेटाइज हो भी जाता है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, आप लोग बाद में पछताओगे। अगर आप लोग ये काम छोड़ देते हो तो आप लोग मोनेटाइज भी करोगे चैनल को, इससे आप लोग पैसे भी कमाओगे। इसकी शॉर्टी मैं आपको दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपने अर्निंग के साथ साथ लर्निंग वाला प्रोसेस जरूर याद रखना है। यानी कि आप लोग अगर नए यूट्यूबर हो या एक बड़े यूट्यूबर बन चुके हो, फिर भी आपने लर्निंग को बंद नहीं करना, क्योंकि डेली बेसिस पर नई से नई अपडेट आती रहती है। अगर आप लोग उसको लर्न नहीं करोगे तो फिर आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है, उसको खतरा है कोई ना कोई, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज होने के बाद अर्निंग स्टॉप हो सकती है। इसलिए आपने अपनी लर्निंग का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं करना, न्यू हो या फिर ओल्ड हो। तो सबसे पहले, सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक नया यूट्यूबर करता है कि उसको इस बात का इलम ही नहीं कि अपना चैनल किस तरह क्रिएट करे, एक प्रोफेशनल चैनल में और एक ऐसे ही चैनल जो कि बंदा कोई भी उठ के अपना मुंह उठा के आ जाए और अपना चैनल क्रिएट कर दे, उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान तक फर्क है। क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो चैनल क्रिएट करने से पहले सोचता है कि उसका अपना थीम क्या है, किसके ऊपर क्रिएट करना चाहता है, उसके पास कौन सी एबिलिटी है, वो किसके रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर सकता है। जब वो ये तमाम चीजें अपना माइंडसेट कर लेता है, उसके बाद अपने चैनल की सेटिंग जो कि उसकी SEO है, जो कि उसको सर्च में लाने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसे करता है, उसके अंदर तमाम चीजें जाती हैं, उसका अपना लोगो तक आता है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए एक अच्छी थीम के साथ, उसके बाद उसका बैनर, जो कि चैनल का बैनर ही बहुत लोग सेलेक्ट नहीं करते, रखते ही नहीं, या फिर ऑनलाइन कोई भी डाउनलोड करके वहां पर पेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज मुझे बुरी लगती है। ऐसा चैनल जिसके ऊपर ऐसी चीज हो, मैं उसको बाद में विजिट ही नहीं करता। एक ऐसा बंदा जिसे यही नहीं पता कि किस तरह हम बैनर सेट करते हैं, कौन सा हमें लगाना चाहिए, उसमें अपने कंटेंट के अंदर क्या चीज देनी है। तो गाइस, इसलिए अगर आपने नया चैनल स्टार्ट करना है, आपने ये वाला काम जरूर करना है कि अपना एक अच्छा सा बैनर जिसके ऊपर अपने चैनल के मुतालिक तमाम चीजें आपकी डिफाइन हो, यानी बंदा जो भी बैनर देखे, यानी आपके चैनल का आर्ट देखे, उसे पता चलना चाहिए कि इस चैनल के अंदर क्या चीज होगी, उसे कौन सी चीज मिलेगी। उसके बाद आपके चैनल का नाम, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि एक ऐसा नाम आप सिलेक्ट कर लेते हो जो किसी बड़े यूट्यूबर का हो, जो कि सर्च में ना आता हो, या फिर ऐसा नाम जो बहुत ही बड़ा हो 4-5 अल्फाज का, तो ये तमाम चीजें आपके चैनल को डाउन कर देंगी, इससे आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। अगर आप लोग ये सर्च करते हो कि आपका यूनिक नाम हो, उसके बाद एक छोटा सा नाम हो, 2 लफ्ज या 3 लफ्ज मैक्सिमम, इससे बड़ा नाम ना हो, तो किसी भी बड़े ब्रांड को आपने चूज नहीं करना, आप खुद ब्रांड बने, आप खुद एक अपने आप में ब्रांड है, अपने आप पर एतमाद रखने, अपना एक यूनिक नाम रख के मार्केट के अंदर आए और मेहनत करें। दूसरे नंबर पर आपकी यही गलती है, आप लोग वर्क करते हो 1 और 2 मंथ बहुत ही एनर्जी के साथ, लेकिन क्या शुरू में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, और ये सभी के साथ होता है यार, आपके साथ सिंपल नहीं हो रहा। तमाम यूट्यूबर जो नए आते हैं, शुरू में उनके व्यूज कम होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं, वॉच टाइम नहीं आता, तो क्या वो काम को छोड़ देते हैं, जो कि आप करते हो, आप अपना काम फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में अगर आपने एक दिन में 2 वीडियो अपलोड किए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक कर देते हो, या आप पहले एक करते थे, फिर आप एक दिन में एक या 2 दिन बाद एक, एक वीक में एक कर देते हो, जो कि बहुत ही बैड इंपैक्ट डालता है आपके चैनल पर। आपने कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, क्योंकि अगर आप पहले वर्क अच्छा करते थे और आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर या थोड़े से सब्सक्राइबर आ गए थे, लेकिन जैसे ही आप अपना वर्क डाउन करोगे, आपके सब्सक्राइबर भी डाउन हो जाएंगे, वो आपके चैनल पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यार बंदा थक चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए आपने जो भी रूटीन रखनी है वो सेम रखनी है, लेकिन अगर एक दिन बाद आप अपलोड करते हो, 2 दिन बाद अपलोड करते हो, तो वही रूटीन रखनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप 2 दिन बाद भी एक वीडियो लगा सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने 2 दिन बाद ही वीडियो लगानी है। ये 2 मिस्टेक बहुत ही बड़ी हैं, जो कि चैनल के स्टार्टिंग में आती हैं, आपने ये नहीं करनी, क्योंकि एक बंदा जो भी नया आता है वो यही चीज़ें तो देखता है आपकी, कि आपके पास जो भी सेटिंग है वो तमाम चीज़ें ओके हैं, क्या बंदे को खुद इल्म है, वो जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है अपना चैनल भी उसका ऐसे ही है। इसके बाद आपके पास आता है अबाउट सेक्शन और आपकी प्लेलिस्ट वगैरह, ये 2 चीज़ें आप फिर छोड़ देते हो यार, ये तमाम चीज़ें आपकी SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग क्यों नहीं समझते यार, आपकी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, आप लोग इसे इग्नोर करते हो, इसी वजह से आपके चैनल नीचे रहता है। आपने अपने अबाउट सेक्शन में, यानी कि जो लास्ट में होता है आपका अबाउट, जहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी होती है कि मैं यार ये बंदा हूँ, आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आप मेरे चैनल पर आ सकते हो, उसके अंदर आपने अच्छी सी डिटेल बहुत ही प्यारे अल्फाज के साथ वहाँ पर देनी होती है, एक नया बंदा आए तो वहाँ पर जाकर देख सके यार इस बंदे के पास क्या होगा और नेक्स्ट हमें ये क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका जो भी डाटा अपलोड किया है, आपने 10 वीडियो अपलोड किए हैं, 15 की हैं, उसकी खिचड़ी नहीं बनानी, आपने प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, हर चीज़ को अलग अलग से मैनेज करके रखना है। एक नया बंदा बाद में अगर आता है या आपको कोई भी प्रोवाइड करनी चीज़ पड़
बढ़ जाती है। तो आप सिंपल बोलोगे मेरी वो प्लेलिस्ट जाकर देख लें यार, उसके अंदर मेरी तमाम चीजें ये प्रोवाइड है, वो आसानी से जाएगा वहां पर डाटा उसको मिल जाएगा। यानी आप लोगों के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे उतने ही व्यूज आपके बढ़ेंगे, उतनी अर्निंग आपकी बढ़ेगी। इस बात को आप लोग समझ लें। ये तो वो सब चीजें जो लोगों को नजर आ रही है, लोगों पर अच्छा इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन यूट्यूब टीम यानी यूट्यूब का एनालिटिक्स, उसके लिए भी कुछ हमें चीजें करनी है। उसके लिए आपके चैनल का अपने कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह आप वीडियो के कीवर्ड्स लगाते हो, टैग्स लगाते हो, इसी तरह चैनल के अपने टैग्स होते हैं, वो आपने वो भी सिलेक्ट करने हैं। और जो भी कैटेगरी आपके चैनल की है, जो भी नाम है, उसी को आपने आगे पीछे करके अच्छे से कीवर्ड बनाकर वहां पर टैग कर देने हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा वहां पर मौजूद रहेंगे। ये आपको चैनल को सर्च में लाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं आपने देखे होंगे एक साल गुजर गया होता है लेकिन उनको सर्च करें तो उनका नाम ही सामने नहीं आता। यही वजह है कि उनके अपने टैग्स ही उनके अपने चैनल से मैच नहीं कर रहे होते। तो आपने इसके अंदर गलती नहीं करनी, क्योंकि ये आपके सर्चिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगा। अगर आपके चैनल की ये तमाम चीजें सही हैं जो मैंने बताई हैं, उसके बाद आपकी वो चीजें जाती हैं कि आपने वीडियो को एडिट किस तरह करना है, उसका थंबनेल, लोगो, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये चीजें सारी बात की हैं। लेकिन पहली चीज आप सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट स्टेप ठीक रखोगे, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप ठीक रख सकते हो। तो गाइस इनमें से कोई भी चीज अगर आपको नहीं करनी आती है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आपने मुझसे शेयर करनी है, कमेंट करें, उसके रिलेटेड मैं एक नई वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।